मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल कहा जाता है कि आजकल के परिवेश में बच्चों का लालन पालन उनका मित्रवत होना चाहिए, ना कि अभिभावक की तरह। तो ये सलाह दी जाती है महाराज श्री, तो मित्रवत तो सलाह दी जा सकती है, पर लालन पालन कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये गलत बात है कि बच्चों का लालन पालन मित्रवत किया जाना चाहिए अभिभावक की तरह। नहीं, बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक उन्हें अभिभावक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, लालिए चतुर्वर्षानी ताड़िए, जायते तु सो दशे वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 साल तक खूब लाड प्यार में रखो, 5वें साल से लेकर 10 साल तक यानी 15 वर्ष पूर्ण होने तक उसे पूर्ण नियंत्रण में रखें। 16 वर्ष का होते ही बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करें। ये हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा है। जब तक बच्चे अबोध होते हैं उनको पूरा लाड़ प्यार मिलना चाहिए 4 वर्ष की उम्र तक। 4 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत उन्हें स्नेह तो मिले, लाड भी मिले, पर थोड़ा नियंत्रण भी होना चाहिए। ऐसा न करने से बच्चे जिद्दी भी बन सकते हैं या गलत आदतों के शिकार भी हो सकते हैं। अब आजकल के लालन पालन के तरीके में बदलाव आ गया है। पहले एक पिता के अनेक संतान होते थे तो ज्यादा उधम मस्ती करने में उनकी कुटाई ठुकाई भी हो जाती थी। अनुभव बताता है कि वह भी उनके निर्माण का कारण बनता था। आज एक ही संतान है या दो है, भागते हैं तो बच्चे उल्टा नचाने लगे। इसके कारण उनका जो भावनात्मक विकास होना चाहिए वो कहीं अवरुद्ध हो रहा है। बच्चों का लालन पालन इस तरीके से करना चाहिए, ओम ओम। ये बीमारी लेके काहे बैठते हो दादा, मुझे पता ही नहीं। ओम ओम मुझे पता ही नहीं है। मगन है। बच्चों का लालन पालन बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। उन्हें आंखों का लिहाज सिखाना चाहिए, उन्हें चीजें थोपने की जगह उन्हें भावनात्मक रूप से चीजों की उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए। उचित अनुचित का समय समय पर बोध भी कराना चाहिए। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि वो जिद्दी ना बने। ऐसी सीख देनी चाहिए कि एक बार में ही वो बच्चे बात मान जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। नतीजा ज़्यादातर अभिभावक यही कहते हैं, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं। आपने यदि उनको इस तरीके से पाला होता तो वो जरूर सुनते हैं। अगर आप सही तरीके से उनका लालन पालन करेंगे तो बच्चे सही होंगे।